the secret of your life. नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपके इस शो में बहुत बार ऐसा होता है जब हम कभी भी किसी भी तरह का कुछ ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो आपको लगता है कि आज का एपिसोड तो हमारे लिए है। आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये जो शो है ये हमारे लिए ही प्रोफेसर साहब ने, हमारे परिवार के लिए ही प्रोफेसर साहब ने किया है। तो आपको जो ये बात लगती है ना, ये गलत नहीं लगती है, क्योंकि दिल की दिल को राह होती है। और प्रोफेसर साहब हमेशा यही कहते हैं कि उनका परिवार जो है वो बड़ा होता जा रहा है, और दिन कहते हैं ना उसको कि दिन प्रतिदिन या डे बाई डे उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग जो हैं वो नए नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब सिर्फ उनके साथ बात करें, और जो नए हैं वो चाहते हैं कि नहीं, प्रोफेसर साहब उनके साथ बात करें, उनकी कुंडली भी डिस्कस करें। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे प्रोफेसर साहब थोड़ा फंस जाते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप जो हैं हमेशा मिलजुल कर रहें, और उनका जो परिवार है वो सबको एक जैसा ही प्यार करें। ऐसा ही हो रहा है, तभी ये जो एपिसोड्स हैं, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रगति पर है। तो आज का ये एपिसोड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारी जो महादशा है वो बदलने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर अब तो बुरे ही दिन होंगे, क्योंकि 10 सालों के लिए तो ये महादशा आ गई, 20 सालों के लिए ये आ गई। या दशा महादशा पहली बात तो होती क्या है, फिर उसके बाद लोगों को कैसे पता लगता है? कोई भी बोल देता है, उनको लगता है कि बस महादशाएँ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ये है क्या, इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असर करती हैं, और अगर कोई खास तरह की महादशा चेंज होती है तो उस पर होता क्या है, ये हम जानेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। लेकिन 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 नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। नोट कौन करेगा? आप करेंगे। सेव कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि यही नंबर्स हैं जो आपको सही रास्ते पर पहुँचाएंगे। अब करते हैं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, ये दशा महादशा इसके बारे में तफसील से तो आप अपने आप ही बता देंगे, लेकिन ये होती क्या है? पुनीत जी, हमारे कुंडली में, हमारी कुंडली में 9 ग्रह 12 राशि, 9 ग्रहों को 12 राशि में बांटा हुआ है। जैसे कि 2 राशि शुक्र की है, 2 राशि बुध की है, 2 राशि गुरु की है, 2 राशि शनि की है। इसी तरीके से 9 ग्रह 12 राशि को बांटा हुआ। राहु केतु को कोई राशि नहीं दे रखी। वैसे बताया गया है कि राहु 3 नंबर राशि में उच्च का होता है, 9 नंबर राशि में नीच का होता है, वो वैसे बताया गया है। लेकिन उसकी महादशा अंतरदशा जरूर आती है, दशाएं जरूर आती हैं। जब राशियों में बांट देते हैं तो कोई भी ग्रह अगर चलता है तो उस ग्रह की उम्र का, जैसे कि गुरु की महादशा 16 साल के लिए चलती है, और शुक्र की महादशा 20 साल की, सूर्य की महादशा 10, ऐसे ही जब दशा की उम्र आती है, जब किसी भी राशि की कहती ये राशि चल पड़ी, कैसे चल पड़ी, उसकी दशा निकाली हुई है ऋषि महर्षियों ने हमारे लिए। इस राशि को इतनी आयु दे रखी, इस राशि को इतनी आयु दे रखी, ऐसे। चलो स्टार्टिंग करते हैं सूर्य की महादशा से। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं ये समझा दूँ, सूर्य की एक ही राशि है, चंद्र की एक ही राशि है, बाकी सब की दो दो राशियां। यानी कि सूर्य और चंद्र को निकाल दिया जाए तो रहते हैं सिर्फ 5 ग्रह, टोटल है 7 ग्रह, 2 है छाया ग्रह, 9 ग्रह टोटल हो गए। छाया ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु केतु छाया ग्रह हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं राहु देव, उसकी नेचर ले लेते हैं। बाकी रह गए 7 ग्रह, 2 राजा तो रानी, जैसे कि कईयों किताबों में लिखा है कि सूर्य राजा है और ये चंद्रदेव रानी है, इन दोनों को एक एक राशि दे रखी है। बाकी रह गए 7 में से 5, 5 ग्रहों को दो दो राशियां दे रखी हैं। जैसा कि शुक्र को 2 राशियां, शनि को 2 राशियां, गुरु को 2 राशियां, इसी तरीके से, और जो बुध को 2 राशियां, बुध को भी 2 राशियां दे रखी हैं। देखिए मंगल को भी 2 राशियां दे रखी हैं। इसी तरीके से 5 ग्रहों को 2 2 राशियां दे रखी हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दशा महादशा के बारे में। वैसे पढ़ तो सभी लेते हैं, पर पढ़नी अध्ययन ब्रिकी में नहीं आता। ये थोड़ा सा एपिसोड ज्योतिषियों के लिए हो रहा है। जिस घर में, मान लीजिए मेष लग्न है किसी का, बहुत ध्यान से सुनिए, मेष लग्न है किसी का, दूसरे घर में शुक्र की राशि है, तो सप्तम घर में भी शुक्र की राशि आ गई,
दूसरा घर तो सप्तम घर मार्केश घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। तो शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई, बहुत ध्यान से सुनिए। शुक्र बैठा है चौथे घर में, बहुत ध्यान से सुनिए। शुक्र चौथे घर में बैठा तो पहले कौन से घर की दशा चलूगी, दूसरे घर की चलेगी या सप्तम घर की चलेगी? पहले सप्तम घर की चलेगी, शुक्र से आगे वाली राशि पहले चलेगी, आधी शुक्र से आगे वाली चलेगी, फिर उसके बाद जो आधी रह जाएगी वो दूसरे घर की महादशा चलेगी, अंत दशा चलेगी। ऐसे महादशा जब भी कभी चलती है तो लंबे समय तक चलती है। जैसे कि मान लीजिए किसी दशा की उम्र है 20 साल या 10 साल, आधी वो क्या करेगा, आधी वो चलेगी पहले दूसरे घर की, जहाँ से वो बैठा है पहले घर कौन सा है, फिर उसके बाद दूसरा घर आएगा। तो वो ये समझाना थोड़ा सा कठिन है, पहले चलो ये तो समझाना कठिन। मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हो चुकी, आपका सूर्य किस घर का मालिक है पहले ये पता होना चाहिए आपको। मान लीजिए अगर मेष लग्न है तो पंचम घर का मालिक, अगर वृष लग्न है तो चौथे घर का मालिक, अगर मीन लग्न है तो छठे हाउस का मालिक, अगर कुंभ लग्न है तो सप्तम हाउस का मालिक। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, कौन सा लग्न है तो सूर्य कौन सी घर का मालिक है उसकी महादशा स्टार्ट हो गई। मान लीजिए मेष लग्न है तो आपका पंचम घर की महादशा स्टार्ट हो चुकी। तो पंचम घर के क्या होता है, अगर आपकी शादी हुई है तो पंचम घर में का औलाद का मालिक होता है, तो आपके घर में औलाद होगी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप बूढ़े हो तो मेष लग्न है बाद में महादशा आई तो क्या होगा, पंचम घर होता है आपके बच्चों का, पंचम घर आपकी बच्चों की ओर से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य होता है सरकार से दरबार से लाभ, सूर्य इज्जत मान प्रतिष्ठा, यानी कि सूर्य की महादशा आएगी तो इज्जत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की महादशा आई तो चंद्रमा अगर नीच के बैठे, वो बात की बात है नीच के बैठे उच्च के बैठे, स्वभ ग्रह हैं कौन से घर के मालिक हैं, उसकी दशा आती है तो सौम्य ग्रह हैं चंद्र, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पगला जाते हैं लोग जब कभी चंद्र की महादशा आती है, दिमागी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, खून की कमी आनी शुरू हो जाती है जब चंद्र बुरा होता है, कैंसर तक की बीमारी दे देता है जब चंद्र गग केतु के साथ बैठा हो तो। इसलिए देखना पड़ेगा कि चंद्र की महादशा आई, उसके बाद बुध की महादशा आई तो बुध की महादशा में क्या होता है, दिमाग की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है अगर बुध कहीं बारहवें घर में आ जाए, व्यर्थ वाणी आपकी वाणी में प्रभाव नहीं रहता अगर बुध खराब है तो, अगर बुध बहुत अच्छा है तो बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। देखिए बुध क्या करवाता है, बिजनेस चलवाता है, बहन बुआ मासी की ओर से लाभ होता है, बिजनेस में लाभ होता है। और बुध क्या करवाता है आपको, कहता है विदेश के चक्कर भी बुध लुवाता है, कहते हैं विदेश के चक्कर को गुरु लुवाता है, लेकिन बुध का साथ मिले तो विदेशों में बिजनेस करवाता है बुध। इसलिए जब कभी बुध की महादशा आती है तो आपका कामकाज अच्छा होना शुरू हो जाता है। बुध अगर कहीं सही घर का मालिक हो, अगर बुरे घर का मालिक है तो क्या करेगा, बहन बुआ मासी विधवा का योग, दुखी बहन बुआ मासी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, सुख नहीं हो पाएगा, आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे क्योंकि बिजनेस आपका अच्छे ढंग से चलेगा नहीं अगर बुध कहीं बुरे घर का मालिक है। फिर आगे शुक्र की महादशा मान लीजिए आ गई, शुक्र की महादशा में जिसकी शादी नहीं होती शादी हो जाएगी, जिसका अच्छे घर का मालिक है मंगल कार्य होंगे, खुशी आएगी, गाड़ी आएगा, मकान व्हीकल गाड़ी कोठी सबके सुख मिलेंगे अगर कहीं शुक्र अच्छे घर का मालिक है तो। आपके घर में लग्जरी लाइफ आएगी, लग्जरी लाइफ आपकी होगी, बहुत अच्छे से आप अच्छे ढंग से आप अपने घर में इंजॉय करोगे अगर शुक्र अच्छे घर का मालिक है, आपकी पत्नी से पत्नी की ओर से बेनिफिट प्रॉफिट मिलेगा। अगर बुध शक्कर कहीं खराब है तो क्या होगा, सबसे पहले पत्नी के चेहरे के ऊपर शाइयाँ आएंगी, पत्नी का चेहरा खराब होना शुरू हो जाएगा, यूरन के रिलेटिव प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी की पत्थरी की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी अगर कहीं शुक्र खराब हुआ तो, शादी नहीं हो पाएगी। देखिए जिसकी महादशा अंतर्दशा आती है तो उसमें क्या प्रभाव लाती है,
अगर कहीं मंगल की मां दशा आई तो मंगल बहुत अच्छा है, तो मंगल कार्य घर पे होंगे, मकान बनेंगे, जमीन जायदाद बनेगी, सिपाही लग जाओगे, क्या होगा, फौज में जाओगे, डिफेंस में जाओगे, मंगल कहीं बढ़िया हुआ तो। अगर कहीं मंगल बुरा हुआ तो क्या होगा, मंगल कार्य नहीं होंगे, मंगल बद हो जाएगा, मकान बेचना पड़ेगा, जमीन जात बिकेगी नहीं, प्लॉट बिकेगी नहीं, वो कर्जा करेंगे प्लॉट के ऊपर क्योंकि मंगल खराब है। इसके उपाय बाद की बात, देखना पड़ेगा मंगल किस घर का मालिक है तो क्या करवाता है। अगर कहीं मंगल खराब हुआ तो समझ लीजिए आपको मकान की ओर से, जो जमीन जायदाद की ओर से परेशानी आनी शुरू हो गई क्योंकि मंगल की महादशा अंतर दशा आ गई। अगर कहीं गुरु की महादशा अंतर दशा आ जाए तो गुरु किसका मार्ग, गोल्ड का मार्ग, सबसे पहले गोल्ड बिकता है अगर कहीं गुरु की अंतर दशा आ जाए, मृत्यु तक हो जाती है अगर कहीं गुरु की महादशा आ जाए, बंदे को सिखाती है जीना कैसे है। अगर कहीं गुरु खराब है तो धर धर की ठोकरें खिलवाता है, बंदा भीख मंगना तक, क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु कहता है आपने क्या करना है, कर्म करके ही रोटी खानी है। गुरु आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, जो मदिरा पीते हैं, जो अय्याशी करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं गुरु की महादशा में। गुरु की महादशा हर इंसान को डाउन करती है क्योंकि कोई भी इंसान गुरु के मुताबिक नहीं चलता। जिसकी महादशा, जिस ग्रह की महादशा आती है उस ग्रह के मुताबिक हो जाओ। अगर गुरु की महादशा आई तो गुरु जैसे हो जाओ, आपको दंड नहीं मिलेगा। वो बात की बात है, गुरु आपके किस घर का मालिक है। अगर गुरु कहीं अच्छे घर का मालिक है, गुरु बहुत बढ़िया है, गुरु आपका योग कारक है और अच्छे घर में बैठा हुआ है तो क्या करवाता है, आपका परिवार बढ़ता है, आपके परिवार के मेंबर बढ़ते हैं और परिवार इकट्ठा रहता है, गोल्ड आपके पास जुड़ता जाता है, गुरु पढ़ाई आपके बच्चे करते हैं और आप खुद करते हैं, अव्वल नंबर पे आते हो। और गुरु क्या करता है, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद मिलता है, बुज़ुर्गों से ज़मीनी जायदाद मिलती है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमेशा सिर के ऊपर रहता है गुरु अगर बढ़िया हो तो। गुरु अगर खराब हो जाए तो जमीन जात बिक जाती है, बुज़ुर्ग हम मुख मोड़ लेते हैं हमसे, बुज़ुर्ग हमें कुछ नहीं देते, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, हमें क्या करना पड़ता है, कई दफ़ा तो काम काज सब कुछ ठप हो जाता है गुरु की महादशा अंतर दशा में। देखिए किस ग्रह की महादशा क्या करवाती है। अगर शनि की महादशा आ जाए तो बना बनाया मकान ही बिछड़ जाता है, चोरी चकारी के इल्ज़ाम लगते हैं, जेल यात्रा भुगतनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी के में जाना पड़ता है, केस अनसेसरी पड़ जाते हैं। अगर कहीं शनि खराब हो, शनि खराब हो तो क्या करवाता है, शनि खराब हो तो धोखे करवाता है, चोरी करवाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, पैसे सारे लुट जाते हैं। अगर शनि खराब हो, अगर शनि अच्छा हो तो करोड़पति बनाता है, और कहते हैं कि बंदा दिन में दिन राजा बनता जाता है अगर शनि अच्छा हो। अगर शनि अच्छा हो तो आपके हर फैसले लिए हुए पत्थर पे लकीर हो जाते हैं। अगर शनि अच्छा हो तो बहुत से ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, जो मकान आपने 10 लाख का लिया वो 1 करोड़ तक बिक जाता है अगर शनि अच्छा हो। दिन बे दिन आपकी जो इमारत है दिन बे दिन बढ़ती जाती है, दिन बे दिन जमीनी जायदाद हमेशा बढ़ती जाती है अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हो। शनि अच्छा हो फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगती जाती है, शनि बुरा हो तो फैक्ट्री जो लगी हुई थी वो भी बंद हो जाती है, फैक्ट्री के जो लेबर वाले सब भाग जाते हैं, लेबर का कारका शनिदेव होता है, लेबर कभी नहीं टिकती, नौकर चाकर कभी नहीं टिकते अगर शनि बुरा हो। तो कुंडली में अगर कहीं शनि खराब हो तो आपकी अंतरदशा या महादशा, जैसे हम लोग फैक्ट्री का काम चल रहा है तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अगर नौकरों को सारे काम करते थे तो नौकर भाग जाएंगे, अगर आपका कोई मकान है तो वो बिक जाएगा, लॉस में बिकेगा, सब कुछ लॉस होगा, करोड़ों का कर्जा सिर के ऊपर आ जाएगा। अगर शनि अच्छा हुआ तो कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए कुंडली में अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह का प्रभाव क्या है, उसके बाद आ जाए राहु की दशा या महादशा, उसको राशि नहीं मिली लेकिन किस राशि में बैठा है उसका प्रभाव देना शुरू कर देता है। राहु बंदे को एकदम से करोड़पति बना देता है और बंदे को अरबपति बना देता है, बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा देता है, और लास्ट में जाते जाते जितना दिया वो तो छीनना ही है, जो उसके पास होता है वो भी छीन के ले जाता है। ये राहु की प्रकृति होती है। जब राहु देने पे आता है तो बहुत देता है, ध्यान रखिए, क्योंकि राहु क्या करता है जिस राशि में बैठा है उसकी नेचर ले लेता है, तो राहु लास्ट में जाते जाते उस राशि की नेचर भी छोड़ेगा, जरूर बुरा प्रभाव देगा। अगर अच्छी राशि में बैठा है तो एक दफ़ा देगा जरूर, जब छीनने लगे तो आप अच्छे बन जाओ ताकि छीने ना। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कभी कोई नहीं जानता। अगर केतु की अंतर्दशा या महादशा आ जाती है तो मृत्यु तुले कष्ट आता है, मृत्यु तुले कष्ट तो आता ही आता है, बीमारी मृत्यु जैसी आती है,
मृत्यु जैसी बीमारी, लंबी बीमारी, जैसे कि 20 साल पुरानी बीमारी आज पता चली और घर का सदस्य की डेथ हो जाती है, किसी न किसी, अगर बुजुर्ग घर में रहता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है, अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, अगर कहीं केतु की अंतर्दशा या महादशा होती है तो लंबी बीमारी से जूझता है इंसान, उससे बचने के लिए केतु के उपाय बहुत आसान होते हैं। कुंडली में ये दिशाओं की बात की मैंने, सूर्य की, चंद्र की, बुध की, शुक्र की और गुरु की, मंगल की, राहु की, केतु की, शनि की, ये सब दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि दशा किसकी अगर अच्छा है तो अच्छा होगा, अगर बुरा है तो बुरा होगा। और एक जो महादशा जैसे ये कितने टाइम के लिए होती है, कितने? ये अलग अलग ग्रहों की होती है, जैसे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग पीरियड होता है, इसलिए आपको देखना चाहिए भी, कोई बात नहीं, कहीं चंद्र की आ जाती है, कभी सूर्य की आ जाती है, कभी गुरु की आ जाती है, कभी शुक्र की आ जाती है, कभी शनि की आ जाती है, देखना पड़ेगा कि 16 साल की गुरु की महादशा आई है, देखना पड़ेगा 20 साल की शुक्र की महादशा आई है, देखना पड़ेगा सूर्य की महादशा या चंद्र की, देखना पड़ेगा आपकी महादशा जब आती है। एक बात और समझाता हूँ मैं सबको, जैसे कि किसी की गुरु की महादशा 16 साल के लिए आई, बहुत ध्यान से सुनिए, गुरु की महादशा 16 साल तक रहेगी, उसमें जो अंतर आएगा उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अंतर अंतर कब तक रहेगा, 1.5 साल पौने 2 साल के लिए गुरु का, उसमें जो पर्यंतर होगा वो ज्यादा प्रभाव देगा, क्यों? क्योंकि जो पर्यंतर होगा गुरु का वो, क्योंकि वो होगा 1-1.5 महीने जैसा, फिर उसमें जो सूक्ष्म होगा वो उससे भी ज्यादा प्रभाव देगा। मैं आपको समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ क्योंकि कैसे प्रभाव देगा। मान लीजिए मेरी और पुनीत जी की लड़ाई हो गई, मान लीजिए, वैसे मेरे बत्ती दादा हो ना जाए कहीं और मान लीजिए मेरी और पुनीत जी की लड़ाई हो गई, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से समझाने वाला हूँ आप सबको मैं। पुनीत जी का जो साथी है वो प्रधानमंत्री है और जो मेरा साथी है वो शहर का सिपाही है। पुनीत जी ने प्रधानमंत्री को फोन किया, मेरे को ऐसा ऐसा बंदा तंग कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद थोड़ा ना आएगा, महादशा प्रधानमंत्री की, बहुत ध्यान से सुनिए बात, प्रधानमंत्री खुद नहीं आएगा, वो शहर के SSP को फोन करेगा, मेरा आपके शहर में बंदा रहता है, उसको एक बंदा तंग कर रहा है, पकड़ो उसको। SSP अंतरदशा, बहुत ध्यान से सुनिए, SSP खुद थोड़ा ना जाएगा, वो शहर के एरिया के इंस्पेक्टर को फोन करेगा, आपके एरिया में कुछ ऐसा बंदा रहता है उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर का, अरे SSP का फोन आया, चलो 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 गाड़ी लेके चलो फटाफट, और उस बंदे को पकड़ना है। पर्यंतर दशा इंस्पेक्टर, अब सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा बेटा सिपाही मेरा दोस्त, उसने फोन किया, गुरदीप ऐसे ऐसे बात है, ऐसे तेरे पास कुछ हमला होने वाला, अब थोड़ा सा इर्द गिर्द हो जाइए। काम किसने किया? पर्यंतर और सूक्ष्म दशा ने, क्योंकि उसने मेरे को बता दिया। इनका प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसने तो बता दिया पकड़ लो, उसने बता दिया आप थोड़ा सा इर्द गिर्द हो जाओ, जब फैसला हो जाए तब सामने आ जाना। काम किसने दिया? इसीलिए मैं साइंटिफिक रीजन से हर बात समझाता हूँ आप सबको, क्योंकि जो सूक्ष्म दशा है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, सूक्ष्म दशा ज्यादा प्रभावशाली काम वही करती है, महादशा तो लंबे समय तक चलती है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में जब भी हम कुंडली में दिखाते हैं तो कुंडली के मुताबिक देखिए, जिसे आप कुंडली दिखा रहे हो वो कुंडली देखने योग्य है। हम हर ये जी लाल कताब कर रखी है, उसको महादशा अंतरदशा से क्या लेना देना? कुछ दशाओं का जो मेल होता है या कुछ दशाओं का जो लिंक होता है, मुझे लगता है कि वास्तु के साथ भी होता है। आप हमेशा यही कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इससे भी ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं आपको पुनीत जी अगर वास्तु की बात बताऊं तो वास्तु एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी को नहीं आता, क्योंकि वास्तु वाले आजकल तो महावास्तु, ये वास्तु वो, बहुत से ऐसे वास्तु करने लगे हैं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो वास्तु में फेल है, एस्ट्रोलॉजी आती है तो वही वास्तु कर सकता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो वास्तु सीखे, और वास्तु का महावास्तु क्या साइंटिफिक वास्तु कर सकता है, जैसे मैं साइंटिफिक वास्तु करता हूँ। पहले मैं भी ऐसे वास्तु करता था, जाता था ऐसे ही, लेकिन अब
हमारा वास्तु 6 घंटे का होता है, कम से कम 5 घंटे का, कई दफा तो 2-2 दफा मेरे को अपनी टीम भेजनी पड़ती है वास्तु के लिए। तो मुझे लगता है कि वास्तु के लिए बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इसी एपिसोड को हम आगे लेके जाते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वास्तु के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन भी है और लोग भ्रमित हुए पड़े हैं। जैसे इनके बोर्ड पर बाहर हमेशा लिखा होता है, जैम एस्ट्रोलॉजी के बोर्ड पर, कि वहम भरम से बचें। तो वास्तु को लेकर जितना वहम भरम है, या फिर बाजार से वो कुछ ऐसी चीज़ें से उठा के ले आते हैं, उनको लगता है कि कुछ चीज़ें लगाने से वास्तु सही हो जाएगा, क्या ऐसा सच में है या फिर हम किसी अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं? इन चीज़ों का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा, और वो कैसे पता लगेगा? जब आप रेगुलर ये एपिसोड देखेंगे। और अगर तब भी आपको लगता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, या आपको ये लगता है कि आपकी जो बिजनेस वाला एरिया है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है कुछ और, बाकी सब कुछ ठीक हो, आपका मटेरियल ठीक हो, आपकी किस्मत ठीक हो, आपकी कुंडली ठीक हो, आपका वास्तु खराब हो। तो ये जानने के लिए कि आपका वास्तु कैसा है, क्या आप सही रह रहे हैं, सही जी रहे हैं, उपाय के साथ अगला एपिसोड आपके सामने इसी के ऊपर लेके आएंगे। नीचे लिखे हुए अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोफेसर साहब से आके मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।